अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगा एक बेस्ट गैजेट, एक बेस्ट माउंट। अगर आप गाड़ी में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो कौन सा माउंट है जो बहुत अच्छा है, जो गाड़ी में यूज़ कर सकते हैं, जिसकी स्टिक बहुत अच्छी है, जो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता है, उसमें हर चीज़ रख जाती है। तो मैं आज आपको वो दिखाता हूँ गैजेट, उसको आप देखें। शॉर्ट वीडियो है सर आपको बताने के लिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है, तो आप उसको कहाँ से परचेज कर सकते हैं। मैंने AliExpress से परचेज किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, ये वो गैजेट है बेसिकली। इसके आप देखेंगे तो ये इसके नीचे एक सक्शन बनी हुई है, ठीक है। और अगर जब आप इसको प्रेस करते हैं किसी ग्लास के साथ यूं, तो ये जो है आपके शीशे के साथ यूं करके चिपक जाता है। और उसके अलावा ये जो ऊपर बना हुआ है इसके, ये ब्लैक कलर का, इसको ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से इसको आप मूव कर सकते हैं। हार्ड बहुत है तो एक हाथ से नहीं मूव हो सकेगा, मेरी मर्ज़ी से आप इसको मूव कर सकते हैं, जैसे देखिए मैंने किया। और इसको आप कहीं पर भी ऐसे शीशे पर स्टिक कर सकते हैं। नंबर दो, इसके अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये जो ऊपर ये लगा हुआ है ये मोबाइल का है, ठीक है। इसको आप दोनों डायरेक्शन में लगा सकते हैं, ये डायरेक्शन है इसके साथ इसको अटैच कर सकते हैं, एक से नीचे यहाँ स्क्रू था जिसके साथ मैंने इसको अटैच किया है। सेकेंडली, जब आप इसको मोबाइल वाला अगर माउंट निकाल दें तो नीचे आपके पास जो है वो ये स्क्रू ड्राइवर बच जाता है, और इस स्क्रू पे आप कोई भी अपना दूसरा माउंट या आपके पास अगर कोई कैमरा है, DSLR है, वो भी लगा सकते हैं। और दूसरी अच्छी बात यह है कि आप यहाँ से इसको ये खोल के, ये वाला हिस्सा खोल के, तो ये वाले जो हिस्सा है यहाँ पे आप अपना GoPro लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली 3-in-1 है, ठीक है। इसके अंदर आप मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा ये जिसकी जो ये मशीन है जिससे आप मोबाइल लगाते हैं, ये बहुत अच्छी है, ठीक है, स्प्रिंग वाली है। इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ फॉर्म लगा हुआ है, ऊपर नीचे रबर है और पीछे फॉर्म है, तो आपका मोबाइल इससे बिल्कुल डैमेज नहीं होता। उसके अलावा इसकी सक्शन बहुत अच्छी है, इसकी मूवमेंट बहुत अच्छी है। ये जो है बेसिकली ये भी रबर का है, ठीक है। अगर आपका कैमरा या मोबाइल लगेगा तो उसको भी वो भी डैमेज नहीं होगा। और नीचे जो है ये GoPro का माउंट है, तो इसका मतलब तीन चीज़ें आप अटैच कर सकते हैं। मैं आपको दिखाते हैं उसके अप्लाई कैसे करते हैं। बेसिकली आपने इसको ऊपर करके यहाँ पर लगाना है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर लगाने के बाद इस तरीके से इसको प्रेस कर देना, तो यहाँ पे अटैच हो जाता है। उसके बाद आप इसको अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, इधर मैंने अपने जो कैमरा का था माउंट वो मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया, ये कैमरे का माउंट यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप जो है अपना कैमरा यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, जैसे मैं अटैच कर रहा हूँ। अब ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने कैमरा यहाँ पे अपना लगा दिया, तो इसी तरीके से करके आप इसको फ्रंट कैमरा भी यहाँ पर करके ऑन कर सकते हैं, जैसे मैं वीडियो बना रहा था। तो अभी आप ये जो देख रहे हैं ये वीडियो, इनफैक्ट मैं अभी गाड़ी चला भी रहा हूँ, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी चलाते हुए रिकॉर्डिंग कैसे हो रही थी। तो इस तरीके से मैंने माउंट लगा दिया और उस वक्त मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो इस तरह आप वीडियो बना सकते हैं। अगर आपने बाहर का व्यू बनाना है तो आप पीछे वाला कैमरा ऑन कर लें, इस तरीके से आपका जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, माउंट ऐसी जगह पर लगाओ जहाँ पर आपकी जो आपका व्यू है गाड़ी का वो डिस्टर्ब ना हो, यानी कि आप साइड वाले मिरर देख सकें आसानी से, उस वाले साइड मिरर देख सकें, पीछे वाले मिरर देख सकें, आगे आपका व्यू क्लियर हो। तो किसी ऐसी अच्छी जगह प्लेस कीजिएगा ये अपना माउंट, जहाँ पर एक तो नॉइज़ ज़्यादा ना हो, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, क्योंकि बाहर रोड की नॉइज़, फिर गाड़ी के अंदर की नॉइज़, ये भी आती है आपकी वॉइस के अंदर, जैसे मेरी पिछली वीडियो में शायद आ रही होगी और इसमें भी आएगी, तो इस चीज़ का ख्याल रखना। सेकेंडली ये कि आपका जो माउंट है वो सही तरीके से अटैच हो, उसको भी सही लगाने का तरीका है। आपने पहले जब वो क्लिप ऊपर होता है आपने उसको शीशे के साथ लगा के रखना है, मतलब दबा के रखना है, उसके बाद फिर आपने ऊपर से उसको क्लिप प्रेस कर देना, तो वो सख्त तरीके से जो है वो चिपक जाएगा, फिर कोई मसला नहीं है। फिर आप गाड़ी आहिस्ता चलाएं, तेज़ चलाएं, खड्डों में चलाएं, जैसे मैं अभी बड़ी रफ जगह पर चला रहा हूँ गाड़ी, तो ये है कि मेरा कैमरा थोड़ा बहुत हिल रहा है शायद, लेकिन उससे माउंट को कुछ नहीं हो रहा। तो ये थी इस माउंट की खासियत। अगर जो लोग गाड़ी में वीडियो बनाना चाहते हैं, जिनका ड्राइविंग बहुत ज़्यादा है, जो कि ज़्यादा ड्राइव करते हैं, या जो सुबह ड्राइव करते हैं, शाम को ड्राइव करते हैं, ऑफिस का आने जाना है, वो लोग जो है ये माउंट लगा लें, वो वीडियोज़ भी बनाना चाहते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, वो ये कर लें, तो ये आपके लिए जो है बहुत अच्छी है, आप इसको करें। और ये माउंट जो है मैंने AliExpress से मंगवाया था। AliExpress से आप बआसानी, जैसे आप मोबाइल या GoPro माउंट सर्च करेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से वहाँ पे मिल जाएगा, आप ले भी सकते हैं, आपको दराज से भी मिल जाएगा। लिंक अगर मुझे मिलेगा तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से क्लिक करके परचेज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।